भाई अपने वर्चस्व बनाने के लिए लगे हुए हैं। लालू परिवार में वर्चस्व की लड़ाई चल रहा है। आप देख रहे हैं डीटीवी भारत में आपके साथ निषेध ठाकुर। बीजेपी लगातार सहयोग कार्यक्रम चला रही है जिसके अंतर्गत तमाम बीजेपी के वो मंत्री सहयोग कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। जनता अपनी समस्याओं को लेकर बीजेपी दफ्तर आती है, रोजाना कोई ना कोई मंत्री बीजेपी दफ्तर में पहुंचते हैं और वहां पे समस्याओं को सुन के उनका निदान किया जाता है। इसी बीच आज कला एवं संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा बीजेपी दफ्तर पहुंचे और वहां पे उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान कई खिलाड़ियों की समस्याओं को भी सुना आलोक रंजन झा ने और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द निदान होगा। इसके साथ ही आरजेडी में चल रहे घमासान को लेकर के भी आलोक रंजन झा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है आरजेडी में फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तेज प्रताप यादव तेजस्वी से मिलने जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, मुलाकात नहीं होती है। तेज प्रताप यादव संजय यादव पर आरोप लगाते हैं, उनके सलाहकार पर तेजस्वी के, और कहते हैं कि संजय यादव उनको मिलने से रोक देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आलोक रंजन झा, पहले आप वो सुनिए। देखिए, ये तो लालू परिवार में वर्चस्व की लड़ाई चल रहा है और दोनों भाई अपने वर्चस्व बनाने के लिए लगे हुए हैं और यह उनका पारिवारिक लड़ाई है जिसको कि पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए ये उनका आंतरिक मामला है। जनता सब देख रही है कि इन लोगों को बिहार की चिंता कम, अपनी चिंता ज़्यादा है, अपने वर्चस्व की चिंता ज़्यादा है। तेज प्रताप चाहते हैं हम बड़ा बेटा हैं तो मेरा सब चीज़ चले, तेजस्वी जी चाहते हैं कि अब सबको समाप्त करके हम पार्टी में जो है तो सब हो जाएं। तो इसलिए ये दोनों की लड़ाई है, इसमें बिहार के जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। क्या लग रहा है राजद में दो पार हो जाएगा? अब अभी तो आप देखते जाइए क्या हो रहा है, जो स्थिति है। हम लोग चिंतित इस बात के लिए हैं कि विपक्ष को जितना बिहार की चिंता करनी चाहिए ना करके अपने वर्चस्व की चिंता में लगे हुए हैं, यही बिहार के लिए दुखद है। तेजस्वी यादव बच्चे हैं क्या? तेज प्रताप यादव बोले कि बच्चे हैं, हम उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे और हम सीएम बना के ही छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव बच्चे हैं क्या? तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं बच्चे हैं। तेज प्रताप के सामने में तो बच्चे हैं, बड़ा तेज प्रताप है तो निश्चित रूप से उसके सामने में छोटा है तेजस्वी, तो वो भी सही कह रहा है। तो लेकिन देखिए, ये सब जो है ना, हमने पहले आपको बताया ये सिर्फ पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई है। परिवार में दोनों भाई में, पहले बहन के साथ था अब भाई में भी हो गया है, तो ये सब ये लोग सिर्फ अपने परिवार में कैसे हम वर्चस्व बना के रहें इसी चिंता में लगे हुए। तो आपने सुना आलोक रंजन झा ने कड़े शब्दों में आरजेडी के अंदर चल रहे कलह पर हमला बोला है और कहा है कि आरजेडी में फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तेज प्रताप लगातार जगदानंद सिंह और जो तेजस्वी के सलाहकार हैं संजय यादव उन पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ तेजस्वी से मिलने से संजय यादव रोक देते हैं तो एक तरफ जगदानंद सिंह हिटलर की तरह पार्टी में अपनी बात मनवाने के लिए निर्णय लेते हैं, किसी से पूछताछ नहीं की जाती है, किसी से बताया नहीं जाता है किसी को। तो आलोक रंजन झा ने बड़ा हमला बोला है आरजेडी में चल रहे अंतरकलह पर। अब देखना ये होगा कि आरजेडी में जो अंतरकलह चल रही है वो कब तक थमता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।